200 गज के प्लॉट हमने चिंतित किए थे, हमारी गवर्नमेंट के टाइम 7 लाख के करीब हमने किए थे 100 गज के प्लॉट, और 3,82,000 प्लॉट हमने मुफ्त दे दिए थे, अलॉट किए थे। इस सरकार ने कितने किए हैं? एक भी नहीं किया। आज 450 कॉलोनियां जो है अप्रूव की जाती हैं। इस सरकार ने कितने किए हैं? एक भी नहीं किया। हमने इस वर्ष 500 करोड़ रुपया अपने बजट में एक स्पेशल प्रावधान, ऐसी जो कॉलोनीज हैं उनके लिए एक प्रावधान किया है। 100 गज के प्लॉट हमने चिंतित किए थे, हमारी गवर्नमेंट के टाइम 7 लाख के करीब हमने किए थे 100 गज के प्लॉट, और 3,82,000 प्लॉट हमने मुफ्त दे दिए थे, अलॉट किए थे। इस सरकार ने कितने किए हैं? एक भी नहीं किया। जो गरीब आदमी की हाउसिंग होती है वो भी सरेंडर कर दी, तो ये, और जबकि इनका वायदा था कि 2022 तक हर उसको हम छत देंगे, हैं? हाँ, हर कैसे हर सिर पे छत होगी, तो आज आप खुद देख रहे हैं ऐसी स्थिति है। तो ये जो है बिल्कुल विफल सरकार है, इसी प्रकार से और ज्यादा स्कीमों में ये बिल्कुल विफल। आज 450 कॉलोनियां जो है अप्रूव की जाती हैं। हमारे यहाँ जिला अनुसार भी जो आंकड़े हैं, ऐसी चाहे वो अप्रूव हुई हैं चाहे नहीं हुई हैं, शुरू से लेकर अब तक जो कॉलोनीज हैं उसमें अगर मैं टोटल कॉलोनीज की बात करता हूँ तो ये 1340 और 966, ये लगभग 2300 कॉलोनीज ऐसी हैं जिनका अप्रूवल या तो हो गया है या होना है, जो मैंने बताया। इसमें बाकी भी बचे जो बड़े जिले हैं, जो 150 से भी ज्यादा कॉलोनियां जहाँ अनअप्रूव्ड थी, जिनमें कुछ हो गई कुछ और आगे होंगी, उसमें कुछ 5-6 जिले हैं जिनका मैं नाम लेता हूँ। फरीदाबाद में ऐसी कॉलोनीज की संख्या 188 है, हिसार में 181 है, कुरुक्षेत्र में 169 है, पलवल में 201 है, सोनीपत में 162 है, यमुनानगर में 195 है। ये जब 150 से ऊपर है, बाकी 150 से कम भी है। तो आगे इसमें और भी विभाग को मैंने कहा है कि इसको जितने भी संभव हैं जल्दी से जल्दी विचार करके उसको किया जाए। टाउन कंट्री प्लानिंग की जो कॉलोनीज हैं पहली बार अप्रूव कर रहे हैं, इससे पहले केवल अर्बन लोकल बॉडीज की ही कॉलोनीज हैं उनको अप्रूव किया करते थे, लेकिन जो म्यूनसिपल एरिया है और उसके बाद फिर एक जो एरिया रहता है अर्बनाइज्ड एरिया यानी कंट्रोल्ड एरिया, टाउन कंट्री प्लानिंग को ने जो अपनी एक सीमा बनाई हुई कंट्रोल्ड एरिया की, तो यूएलबी के एरिया के बाहर कंट्रोल्ड एरिया के अंदर जो कॉलोनीज हैं उसका सारा कामकाज का जो जिम्मेवारी है वो टाउन कंट्री प्लानिंग की है। तो टाउन कंट्री प्लानिंग ने वहाँ सारी शर्तें देखने के बाद उनको अप्रूव किया है, और वहाँ जो भी डेवलपमेंट चार्जेस होंगे उसके बाद उसको एचआरडीए के माध्यम से वहाँ उन कॉलोनीज को विकसित किया जाएगा। तो इतनी जो कॉलोनीज हमने अप्रूव की हैं अभी, इसके ऊपर विशेष खर्चा भी, क्योंकि केवल डेवलपमेंट चार्ज से तो पूरा हो नहीं पाएगा, खर्चा ज़्यादा होता है डेवलपमेंट चार्ज कम आते हैं। हमने इस वर्ष 500 करोड़ रुपया अपने बजट में एक स्पेशल प्रावधान, ऐसी जो कॉलोनीज हैं उनके लिए एक प्रावधान किया है, और ये सब होने के बाद आवश्यकता पड़ेगी तो और भी करेंगे, लेकिन ऐसी जो अनडेवलप्ड कॉलोनीज हैं उनको डेवलपमेंट की जिम्मेवारी भी यूएलबी की और टाउन कंट्री प्लानिंग की आती है, उस नाते से हम करेंगे।